स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में यूनिट फोर्थ की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट। ए नंबर पे हमारा है 64 × 10। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ढूंढना है। फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो 64 × 10 है, तो आप क्या करोगे, 1 का टेबल 4 बार बोला 4, 1 का टेबल आपने 6 बार बोला 6, और 0 तो आ जाएगा। आंसर आ गया हमारा 640। ऐसे ही आपका बी नंबर देखो, 9 × 60, तो 6 यहाँ 0 लिखा और 6 का टेबल हम 9 बार बोलेंगे, 6 × 9 = 54, आंसर आ गया हमारा 540। अब सी नंबर 24 × 100, तो 1 का टेबल हम 4 बार बोलेंगे तो 4, और 1 का टेबल 2 बार और 0 हमारे आ ही जाएंगे, तो 24,000। फिर हमारा डी नंबर में क्या है देखो, 4 × 800, तो 0 हो गया हमारे, और 8 का टेबल हम 4 बार बोलेंगे, 8 × 4 = 32, ठीक है, 32,000। ई नंबर में है हमारा 7348 × 19, इसको हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो देखो, हमने 9 का टेबल 8 बार बोला, 9 × 8 = 72, 2 लिखा, 7 हमारी कैरी लग गई, 9 का टेबल 4 बार बोला, 9 × 4 = 36, और अपने क्या करेंगे, 36 में 7 आप प्लस करोगे, 36 × 7 = 43 हो गया, 3 लिखा, अब 4 कैरी हो गई, 9 का टेबल हम 3 बार बोलेंगे, 9 × 3 = 27, 27 × 28 = 29, 30 and 31 आया हमारा, 3 कैरी लग गया, 9 × 7 = 63, 63 और 3 = 63, 64, 65 and 66 लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई का साइन करोगे, 1 का टेबल आपने 8 बार बोला 8, 1 का टेबल आपने 4 बार बोला तो 4 आ जाएगा, 1 का टेबल 3 आ गया, 1 का टेबल 7। अब इनको हम प्लस करेंगे, 2 × 8 = 11, 4 × 1 = 5, 6, ठीक है, 6 × 3 = 9 और 6 × 7 = 13, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 13,000। ये हमारा सॉरी आंसर है 1,39,612। अब ऐसे ही एफ नंबर भी हमारा है, ठीक है, 2478 × 29, 9 का टेबल हमने 8 बार बोला, 9 × 8 = 72, 2 लिखा और 7 कैरी लग गया, 9 × 7 = 63, 63 और 7, ठीक है, 63 × 7 कितना 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70, 0 and 7 कैरी, 9 का टेबल हम 4 बार बोलेंगे, 9 × 4 = 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे, 36 और आपको 7 करना, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 and 43, हमने 3 लिखा, 4 कैरी लगा दिया, 9 का टेबल हम 2 बार बोलेंगे, 9 × 9 = 18, 18 और 4, 18 और 19, 20, 21, 22 हो गया। फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन किया, 2 का टेबल आप फिर 8 बार बोलोगे, 2 × 8 = 16, 1 कैरी, 2 × 7 = 14, 1 = 15, 1 कैरी, 2 × 4 = 8, 1 = 9, अब कोई कैरी नहीं है अपने पास, 2 × 2 = 4। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, 2 × 6 = 538, 9 × 2 = 11 और 4 × 2 = 17, ठीक है, तो 71,862 आंसर आपका आ गया। ऐसे ही जो आपकी कॉपी में बाकी हैं वो भी ऐसे ही करने हैं। सेकेंड नंबर हमारा है मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 × 30, फिर 6 × 40, तो सिंपल तरीके से करना है जैसे आप हमेशा पहले कर रहे थे। तो 6 हमने यहाँ कॉपी में किया, 10 × 30 नहीं, कितना आ गया, 300। बी नंबर में 6 × 40, तो ठीक है, 0 लिखा, 4 का टेबल हमने 6 बार, 4 × 6 = 24, 240। सी नंबर में ऐसे है 143 × 2, 2 का टेबल आपने 3 बार बोला, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 286। ऐसे ही आपका एन नंबर है 4442 × 18, 8 का टेबल 2 बार बोलोगे, 8 × 2 = 16, 6 × 1 = 4, 8 का टेबल आपने बोला 4 बार, 8 × 4 = 32, 30 और 33, 1 कैरी आ गया 3 कैरी 8 × 4 = 32, 32 × 33, 34 = 35, 5 हो गया 3 कैरी 8 × 4 = 32, 32 और 3 = 35। 1 का टेबल हम बोलेंगे तो हम सेम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, आप प्लस करो 6 × 3 = 5, 5 × 4 = 9, 5 × 4 = 9 और क्या हो गया 4 × 3 = 7, तो 79,956 ये हमारा आ गया आंसर। अब है आपका
थर्ड नंबर मल्टीप्लाई दीज यूजिंग लैटिक मेथड, आपको लैटिक मेथड से करना है। यहाँ पे क्या लिखा 28 मल्टीप्लाई 47, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, देखो यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं, इधर हमने 2 इधर 8 लिख दिया, यहाँ पे 4 और 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप। 4 का टेबल आप 2 बार बोलोगे, 4 टू जै 8, क्योंकि 8 हमारी सिंगल डिजिट है तो हमने 0 लिखा, यहाँ पे 8 लिख दिया। 4 का टेबल आप 8 बार बोलोगे, 4 8 जै 32, 2 लिख दिया। 7 का टेबल आप 2 बार बोलोगे, 7 टू जै 14, 1 और 4 14 हो गया। 7 का टेबल आप 8 बार बोलोगे, 7 8 जै 56, 5 एम 6। अब इनको आप प्लस करोगे 6, ठीक है, 5 4 9 9 और 10 11, 1 11 का 1 लिखा, 1 कैरी यहाँ लगा दिया, 8 1 9 9 3 12 12 1 13, 3 लिखा, 1 कैरी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आंसर हमारा आ गया 1316। ऐसे हमारा बी नंबर में है 93 मल्टीप्लाई 13। तो देखो मैंने इसको कॉपी में सॉल्व किया है, लैटिक मेथड वाला ही है। इस तरह से पहले हम करेंगे 93 मल्टीप्लाई 13, तो हमारा आंसर ये वाला आया था 1209। अब इसको लैटिक मेथड से आप करोगे, 1 का टेबल आपने 9 बार बोला तो 9 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 0 पर लगा दिया क्योंकि 9 सिंगल डिजिट थी। 1 का टेबल आप 3 बार बोलोगे तो 3 भी सिंगल डिजिट आएगी, तो 0 और 3। 3 का टेबल आप 9 बार बोलोगे, 3 9 जा 27। 3 का टेबल आप 3 बार बोलोगे, 3 3 जा 9 9, हमारी सिंगल डिजिट, तो हमने 0 लिख दिया। अब इनको आप प्लस करोगे, 9 यहाँ पे अकेला है तो हमने 9 लिख दिया। अब यहाँ पे तीनों डिजिट को आपस में प्लस करना है, 7 0 3। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 7 और 3 कितने हो गए आपके, 10, 0 और 1 कैरी लगा देंगे हम, तो 2 और 9, 9 और 2 आपके कितने हो गए, 11, 1, 12, 1 कैरी थी आपके पास, 2 आ गया, 1 यहाँ पे कैरी लग गया, इसका 1 यहाँ पे आ गया, तो आंसर हमारा आ गया 1209। तो देखो इस लैटिक मेथड का और इसका आंसर दोनों का सेम आया है, तो आपको इसी तरह से दूसरे भी करने हैं।